कश्मीरियों की आंख में आंसू, पैरों में जंजीर और रिहाई के लिए दुनिया पर नजर। वादी को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील हुए 227 रोज हो गए। कोरोना केसेस के इंकशाफ के बाद सूरत हाल मजीद संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गई। तमाम अक्वामे मुत्तहिदा की मुजरिमाना खामोशी ताहाल बरकरार है। भारत ने जन्नत नजीर वादी को दर्द की तस्वीर बना डाला। कर्फ्यू और लॉकडाउन 227 में रोज भी खत्म न हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी जेल में कैद कश्मीरी मुसलसल जुल्म सितम सहने पर मजबूर हैं। वादी में स्कूल, कॉलेज और कारोबारी मराकज बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर है। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी ताहाल बहाल ना हो सकी। कश्मीरी सिसक सिसक के दम तोड़ने लगे। तवील और बदतरीन कर्फ्यू के बाइस मकबूजा कश्मीर में अशिया, खुर्दोनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत बरकरार है, जिसके बाइस मुतअद्दिद कश्मीरियों की जिंदगी के चिराग बुझ गए। दूसरी जानिब कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद सूरत हाल मजीद संगीन हो चुकी है। दूसरी जानी मार धाड़ और पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। 5 अगस्त से अब तक सैकड़ों कश्मीरी शहीद, जख्मी और हुर्रियत रहनुमाओं समेत कैदों बंद में हैं। ताहम कश्मीरियों की आहों और सिसकियों पर आलमी बरादरी, अक्वामे मुत्तहिदा और इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों की खामोशी बरकरार है।